अब तो आ जाओ प्लीज आ जाओ अगेन लेट्स गो गाइस। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है गाइस पाल वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड में। ये है गाइस पाल वर्ल्ड की सीरीज का एपिसोड नंबर 3, जिसके अंदर गाइस हम क्या करने वाले हैं गाइस ये तो अब पता चलेगा ना, क्योंकि वापस से अभी आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्नोलॉजी मेन्यू, हमको क्या क्या चीजें बनवानी है। ठीक है, मेडिसिन वर्कबेंच, क्योंकि गाइस हमारे पास बीमार भी पड़ जाते हैं। ग्रैपलिंग गन, जो कि गाइस अच्छी गन है, जो कि काम में भी आती है। ठीक है, फेदर बनवा लेते हैं हेड के लिए। ठीक है, बाकी तो साइज सारी चीजें। नेल्स गाइस, नेल की जरूरत पड़ने वाली है हमको। ठीक है, रुको, सबसे पहले मेरे को 2-3 काम देखने दो भाई। पावर ऑफ स्टैचू किधर है? ओके, मेरे को शाइनी पाल्स का साउंड आ रहा है। किधर साउंड आ रहा है? ओके, वो रहा भाई, देख रहे हो गाइस, साइजी पोकेमोन। हमारा जेड ड्रैगन का है, जो कि अंडे के अंदर से निकल रहा था भैया। अंडे वाला जेड ड्रैगन के ऊपर भी हम उड़ लेते हैं, देख रहे हो गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा नीचे उतार दे, मेरे को नीचे उतार दे। ओ नहीं नहीं नहीं, तू खत्म कर देगा बाबू, मारना नहीं है इसको, एक गोली। अबे भागे मत, भागे मत केटी बाप, प्लीज बाबू, तू शाइनी है यार। ओके, आ जाएगा इजी आ जाएगा, बिना फालतू में मारेंगे नहीं, क्योंकि शाइनी पोकेमोन एक तो बहुत रेयरेस्ट होते हैं इस गेम के अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं गाइस सीधा नीचे बेस के पास। और ये कुछ ज्यादा ही दूर जा रहा है, लेकिन मैंने पास बोला था ये दूर जा रहा है, भूतनी का बताओ। ठीक है, टेक्नोलॉजी में, अरे एक और हाथी आ गया, क्या बोलते हो गाइस, आज भी फाइट ले ले इससे? आज तो पकड़ लेंगे यार, अब तो हमारे पास एक और हाथी है ना, हमारा वाला हाथी। चलो लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। मारो, जाओ इससे मारो मारो। ठीक है, इसको मारेंगे जब तक मैं यहाँ पर पाल से भी उतार देता हूँ, क्योंकि मैंने पाल हटा रखे हैं। ये तो कम मारते हैं ना, जो ज्यादा मारने वाले वो पाल से डालो। ठीक है, ये भी डाल देते हैं अभी, अभी के लिए तो सारे डाल देते हैं। चलो ठीक है, मारो भाई उसे, हाथी को मारो भाई। मैं ऐसे ही करता गाइस, अपने बेस के दम पर पाल से फाइट ले लेना, सिंपल। मारो भाई, देखो सारे मिलके मारेंगे अब उसको इजीली, कितना इजी होगा हमारे लिए, क्योंकि मेरे को उससे सारे के सारे पाल मार रहे हैं, मेरे सारे पाल, और वो अकेला बेचारा भाई, उसने लेकिन 2-3 मार दिए मेरे। ताले तूने मेरे पाल को मारा, उधर से हाथी मार रहा है मेरा, इधर से अंडे वाला जेड ड्रैगन मार रहे हैं, और 2-3 पाल से भी मार रहे हैं। बहुत बढ़िया, मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं। दो जो जो मर गया ना गाइस, उनको मैं चेंज कर देता हूँ मेरे पाल से, मारते रहो भाई, टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमारा लेवल कम है। हम बेस के दम पे, देखो ये 2-3 मर गया ना, उनकी जगह पे इनको उतार दिया मैंने। मारो भाई, तुम जाकर थोड़ा बहुत मारो, कोई दिक्कत नहीं, अरे मर ही जाएगा रे बेचारा। रुको, पकड़ते हैं सावरे को, पकड़ते हैं भाई, पकड़ में आएगा, ऐसे आ जाए, प्लीज आ जाए तो अच्छी बात है भाई। अरे नहीं आ रहा है, मारो और मारो, मारो इसको, अरे मारो, ज्यादा मत मार रहा, मर नहीं जाए पूरा। ओ बस बस बस, अब पकड़ते हैं भाई, पकड़ते हैं, ऐसे आ जाएगा गाइस, अब आ जाएगा, आई थिंक आ जाएगा, प्लीज आ जा, पकड़ में आ जा, प्लीज आ जा। ओके ओके ओके, बेस के दम पर ये पकड़ लिया गाइस हमने दूसरा मेमोरिस्ट भाई, बेस वाले पाल्स के दम पे गाइस, ये होती है मजे, मतलब मेहनत नहीं करने का, समझ रहे हो गाइस। ये देखो सीधा सा पाल पकड़ लिया हमने, ये 35 लेवल का, और ये है, ओ इसके अटैक थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, इसके अटैक भी सेम ही है भाई, दोनों पाल्स के सेम है। ये केटी वा बड़ा वाला है ना, आई थिंक बड़ा वाला है, पता नहीं कौन सा। ओ ये ठीक हो चुके हैं, ठीक है, तो इनको अपने साथ रख लेते हैं, और अब जाएंगे गाइस किसी पाल्स को पकड़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मेरा आर्मर थोड़ा डैमेज दिखा रहा है, और पाल भूख भी लगी है मेरे को, खाना दो, और मेरे पाल्स को भी भूख लगी भाई साहब, खाना लेना पड़ेगा, रुक जाओ। फूड बॉक्स कहाँ है? फूड बॉक्स किधर रखा है? अब इनका फूड बॉक्स किधर रखा है? ये रखा किधर है? ठीक है, इसके अंदर से थोड़ा सा खाना हम ले लेते हैं। ओके, इनके पास तो बहुत खाना है भाई, बेरीज दे दो मेरे को। ठीक है, थोड़ी सी बेरीज ले ली, और बेरीज खा लेते हैं, और हमारे पाल्स को भी खिला देते हैं। जेड ड्रैगन बहुत सारा खाना खा रहा है भाई। ठीक है, आर्मर रिपेयर करना है, आर्मर रिपेयर मेरा ऊपर होगा, क्योंकि आर्मर रिपेयर करने की चीज मैंने यहाँ पर पट की है, और रिपेयर हो सकता है ना? नहीं भाई, ये नहीं हो सकता रिपेयर, इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? क्लॉथ चाहिए। अब साला क्लॉथ नहीं बनाया, ये क्या बनाया था बहुत सारे क्लॉथ, क्या करते हो तुम लोग, गुंडा बने हो क्या? ठीक है ओके, अब ये सामान अपन यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, ताकि हमारे पाल उठा के इनको रख दे, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। ओके गाइस, अब हम जाने वाले हैं इस साइड में। ठीक है, हमारे जेड ड्रैगन के ऊपर बैठ के बिठाना, अब भूतनी के भाई बिठा ले। चलो अब जाएंगे भाई इस साइड में, देखेंगे गाइस कोई सा नया पाल मिलेगा तो गाइस उसको करेंगे कैप्चर। ठीक है, ये गाइस हमारे अंडे से निकला हुआ जेड ड्रैगन बहुत ही काम का है भाई, इसके ऊपर बैठ के हम कहीं भी जा रहे हैं भाई इजी तरीके से। ठीक है, बट लाइक कर देना गाइस फटाफट से सारे सारे बंदे, ठीक है, जिसने भी अभी तक नहीं किया कर देना, बाकी मैं देखता हूँ और कुछ होता है तो। चल ले चल ले। ओके ओए, कैपरेटी मैंने अभी तक नहीं पकड़ी है ना, कैपरेटी नाम का पाल नहीं पकड़ा ना। ठीक है, ये पकड़ते हैं, मार इनको। अबे ये तो पूरा ही मार दे रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा। ए हाथी तू भी रुक जा। अरे नहीं 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 नहीं, मरी नहीं मरी नहीं मरी, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, कोई दिक्कत नहीं, आ जा प्लीज आ जा। ओके आ जाएगी आ जाएगी, आई थिंक आ जाएगी, बढ़िया। चलो कैपरेटी भी पकड़ लिया हमने, और अरे रसर पकड़ा है कि नहीं अभी तक? रसर भी नहीं है। अरे यार ये तो पूरा ही मर गया साला, कोई दिक्कत नहीं, बट
हम बाद में पकड़ लेंगे। जेंडर गन बिठा मेरे को, बिठाना नाल के पिल्ले। इधर बहुत सारे पाल है जो मैंने अभी तक नहीं पकड़े। अरे ये देखो ऊपर, अरे कतई जहर, फास्ट ट्रेवल भी है यहाँ पर। चलो इसको अनलॉक कर देते हैं अपन। ये रहा फास्ट ट्रेवल। ओके सो डेसोलेट चर्च है ये, ठीक है। और तेरी तो मैं पहली बार इतनी दूर जा रहा हूँ इसमें, मेरे पैसे देख रहा हूँ। मैं यहाँ से यहाँ पहली बार जा रहा हूँ और इसके बीच में कोई सा बोझ भी नहीं मिला हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जिस इंसान से हमने कहा जेड ड्रैगन खरीदा था ना, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। मतलब ये जेड ड्रैगन हमको कैसे मिला, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। इधर गया था मैं और यहाँ पर कुछ आया था, मैं रुको दिखाता हूँ मैं आपको कि मैंने ये जेड ड्रैगन कैसे खरीद लिया, जबकि इसके तो 50 लेवल का होता है। बट देखो मैंने कैसे खरीदा, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर है एक माइंड शिफ्ट, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो यहाँ पर पाल स्पेल भी पड़ी है, ये भी ले लेते हैं और अपने पाल को अंदर रखते हैं। और ये देखो यहाँ पर है गाइस एक पाल शिफ्ट, मतलब कि माइंड शिफ्ट। यहाँ पर मिला था हमको जेड ड्रैगन, और कैसे मिला वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो लाइट वाला पाल नहीं है मेरे पास, और मेरे पास टॉर्च भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट पहुँच जाएंगे हम, इतना भी अंधेरा नहीं। ये देखो भाई, ये देख रहे हो गाइस सामने, इस बंदे से हमने खरीदा था जेड ड्रैगन। ये देखो मैं बेचता है, ये बेचता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये पाल से बेचता भी है। अबे अंधेरा क्यों है इतना? मेरे को बाइक कंट्रोल्स, बाइक सेल कंट्रोल्स ये बाइक करना है। देखो ये इसके पास सारे पाल रहते हैं, अभी चेंज हो गए गाइस, ठीक है। इसके पास सारे के सारे पाल्स रहते हैं, ये हर प्रकार के पाल से बेचता है। वैसे हम इसको मार सकते हैं क्या? अरे जेड ड्रैगन निकालूं, इसको मारने की कोशिश करें, मर जाएंगे नहीं तो क्या ही होगा। नहीं गाइस, और भाई 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 भागना पड़ेगा मेरे को, भागना पड़ेगा मेरे को। बट मेरे को नहीं लगता ये मेरे को जेड ड्रैगन को हरा पाएंगे, बट फिर भी मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि देखा था आपने उसके पाल से आ गए थे दूसरे, जो कि शायद मेरे को ही मारते हैं, ऑब्वियसली मेरे को ही मारते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं वापस से बाहर। आ जाओ भाई जेड ड्रैगन, बिना फालतू फाइट मत ले। गाइस क्या ही तो लोकेशन है सामने, देख रहे हो गाइस कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और चलते हैं इस साइड में, देखते हैं कुछ नए पाल से मिलते हैं तो गाइस उनको करेंगे कैप्चर, ठीक है। ओके मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरे को खुद को नहीं पता, बट बहुत ही प्यारी जगह है गाइस, कुछ भी बोलो, पाल वर्ल्ड एकदम वर्ल्ड लगता नहीं भाई। सप्लाई ड्रॉप किधर, कुछ गिर रहा है। ओके ये गिरा कुछ, रुको 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 इसको देखते हैं पहले, कुछ तो गिरा इधर। ओके यहाँ पर कुछ गिरा, सप्लाई कैरेट। ओके चेक करते हैं, वाओ इसके अंदर से कुछ मिला है मेरे को, व्हाट द फक बेटा मेरे को फाइट मत ले। इधर किसी का डेयर हाउल करके एक बोस आया था ना, कहा है? अरे तेरी तो भाई इतने सारे दे रहा हूँ, इसमें से बोस कौन सा है? इसमें से बोस कौन सा है भाई? कुत्ते कुत्ते भाई, इतने सारे कुत्ते, इसमें से बोस कैसे फाइंड करूं मैं? मार जेड ड्रैगन, मार मार इनकी, मार की भाई, कितने कुत्ते हैं ये, क्या है? ओके 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 ओके, बॉस ही मर गया आई थिंक, मर ही गया साला, बट इतने सारे कुत्ते भाई, ये डेर आउट कितने सारे थे देखो यहाँ पर, 1 2 3 4 भाई गिनती नहीं। अबे लेकिन इनसे मेरे को लेदर वेदर बहुत मिल गया गाइस। ओके ये बिना फालतू में कहाँ जा रहा, मर जाएगा साले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर गाइस अंडे वंडे भी है, ओ माइन भी मिल गए मेरे को, ये अंडे उठा लेते काम किया शायद, कॉमन एग बैठे यार, थोड़े छोटे छोटे कॉमन एग मिले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। ओके बढ़िया चल रहा है दिन। अबे यार ये तो कल तो अलग ही सीन था गाइस, देखा आपने यहाँ पर कुछ अंडे थे और डे राहुल कितने सारे थे, ये देखने वाली बात थी भाई। और सप्लाई भी आया भाई, आसमान से गिरा धाई करके, बताओ किसने फेंका सप्लाई। आज मैं पहली बार जा रहा हूँ इस थर्ड एपिसोड में इतनी दूर, इससे पहले मैं इतनी दूर नहीं आया था कभी भी, बट फास्ट ट्रेवल देखते रहना पड़ेगा। और ये क्या लिप मंगा ना, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। एफजी गाइस इससे हमारी कैप्चरिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। ओके मैंने ले लिया, इधर चलते हैं ना। ओके बढ़िया चलिए, इजी गाइस इजी, इट्स टू इजी बडी। यहाँ पर जाएंगे इसको अनलॉक कर देंगे, सही है। ओके अनलॉक, इधर चलते हैं देखते हैं कोई सा नया पाल मिलता है तो उसको भी पकड़ लेंगे। भाई मेरा स्टेमिना ही खत्म हो जाता है भाई, ये पाल थोड़ा थक जाता है, जेड ड्रैगन अंडे से निकला हुआ है ना। अरे ओके इधर चलते हैं। ओ ये क्या है, कोई सा नया पाल गाइस, इसको पकड़ते हैं, ठीक है। नाम क्या है इसका, यूनिबोल्ट, 31 लेवल का है गाइस, बहुत ज्यादा लेवल है इसकी, हाई लेवल है ये। ओके मेरे को मारना पड़ेगा फिर तो, हाई लेवल है तो, 2 का डैमेज लग रहा है, मतलब हाई लेवल है गाइस, बहुत ज्यादा हाई लेवल का, 4 का डैमेज दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे अंडे से निकला हुआ जेड ड्रैगन भी बहुत ताकतवर है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गाइस हाई लेवल का है बट मैं इसको मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जेड ड्रैगन है, जब तक तो मैं कुछ भी कर सकता भाई। अंडे से निकला लेकिन बहुत बढ़िया वाला था, उन्होंने जो कि गाइस अंडा खरीदा था हमने उससे ट्रेडर से, ठीक है।
ओके चलिए ओके ये शावर मारता है यार, मीटर शावर, बढ़िया बट ड्रैगन शावर बोलना चाहिए ना, क्योंकि ड्रैगन शावर ही ना हो अभी मरता क्यों नहीं है। इससे अच्छे तो मेरे को लॉन्चर लाना चाहिए था। मर जा भाई, आग भी तो लगती नहीं है भाई, आग वाला पाल लगता तो यूनिवर्ट भाई बहुत टाइम लग जाएगा तुम तो, क्योंकि 23 तो हेल्थ थी और अभी तक सिर्फ उतनी ही गई। अरे यार इसके इलेक्ट्रिक अटैक में कहाँ फंस गया, मैं कुछ दिखाना चाहता था साला। ठीक है मेरी हेल्थ खा गया ये बिना फालतू के। देखो यहाँ पर अगर हम बेस बनाते तो कितना प्यारा बेस बनेगा, देखो बड़ी जगह है ना, बहुत बड़ी जगह है ना, यहाँ पर भी बना सकते बट थोड़ी ऊपर नीचे लगे यार, ये अच्छी बात नहीं है। मारो वैसे इसको साले को। तनीश FPS कितना आ रहा है भाई गेम में, FPS इसमें कहाँ से बता दूँ, बाल वर्ल्ड में FPS कैसे बताऊँ। ये डायरेक्ट गेम ओपन हो जाता है, FPS का रहता होगा बट कर सकते हैं सेटिंग में से, अगर दिखाना हो तो गेम सेटिंग में होगा बट नहीं पता। अबे मर जा साले, मर जा दो दिन के मर जा। पहले ये वाली स्प्रे से करता हूँ मैं, नॉर्मल स्प्रे से, पार स्प्रे से, इसमें तो आने का नाम ही नहीं ले रहा। ओके इसमें आ रहा 3%, अब 1% बढ़ा भाई, तो इसमें 47% आ जाएगा, ये स्प्रे में तो आ जाएगा, एक लास्ट स्प्रे बाकी है नहीं तो। अबे नहीं भाई अब नहीं मैं स्प्रे खो ही नहीं सकता, ये स्प्रे खत्म कर दी तो फिर तो लग जाएंगे मेरे। 100 से बिलो अब 3% है, आ जा प्लीज, आजा, 4 स्पेयर बाकी है कुत्ते, आजा। ओए जेट ड्रैगन को अंदर रखो आप, अब मैं संभाल लूंगा। आई थिंक 30 कितना डैमेज देती मेरी गन, ओके ज़्यादा नहीं मारूंगा, बस ओके कोई दिक्कत नहीं भाई, मर जाएगा ना पूरा मार देता। ओके नहीं बच, ठीक है ओके 13 10 9 7 बस ओके कोई दिक्कत नहीं, ओ बस 4 की हेल्थ है, अब आना चाहिए वो 4 की हेल्थ है भाई, फाइनली। किधर मर गया वो, ये ले चल आ जाओ। अबे नहीं आएगा गाइस, यो लास्ट स्पेयर है, नहीं आया तो फिर जा प्लीज आ जा, आ जा ओके आ गया, बढ़िया लव यू भाई, अच्छा हुआ आ गया, तूने तो मर जाता अभी तू मेरे हाथों। ठीक है ओके गाइस फाइनली हमने पकड़ लिया यहाँ पर यूनिवर्ल्ड, और हमारी कैट्रेस क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम था भाई, कैप्रेटी बहुत कुछ सीख गई है। चलो मेरे पास स्पेयर खत्म हो गए, मेरे को पहले जाना पड़ेगा स्पेयर बनवाने के लिए। ठीक है तो सबसे पहले फास्ट ट्रेवल ढूंढते हैं कहीं पर, और सामने नहीं दिख गया मेरे को फास्ट ट्रेवल, वहाँ पर चलते हैं सीधा। उससे पहले लिफ्ट मंग दिख गया उसको ले लेते हैं, ठीक है इससे हम हमारी कैप्चरिंग पावर बढ़ा सकते हैं, जो कि अभी ये जाके बढ़ाने वाले हैं। ठीक है भाई वो ड्रॉप वाला सिस्टम कुछ अलग ही लगा मेरे को, अब कहाँ स्टक हो गया। ठीक है चल रहे बोरा फास्ट ट्रेवल, सीधा उसके पास चल और ओपन कर देंगे, इजी फास्ट ट्रेवल ओपन करके सी। ओके बहुत सारे पाल मिल गए, अब तो एक ये जुरुबे दिख रहा है और एक ये कौन भूशी है, बढ़िया। पहले बेस पे जाएंगे स्पेयर बनवाएंगे उसके बाद में आएंगे, ठीक है चलो। ओके फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पर बेस के ऊपर, और मैं अभी पकड़ के लाया हूँ इस पाल को जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ये दो पाल पकड़ के लाना, मैं मेमोरेस्ट पहले था अपने पास, ये भी था। अबे कैपरेटी कहाँ गई, ये रही, अच्छा इसको उधर नहीं रख सकता ना मैं डायरेक्टली। ठीक है देखो गाइस ये, ओके कहाँ गए यूनिवर्ट ही भाई, कितना प्यारा बंदा है, क्या करता क्या है ये, अबे लकड़ी तोड़ता है, यूनिवर्ल्ड नाम है और लकड़ी तोड़ता है कुत्ते। और कैपरेटी गाइस ये तो एक नॉर्मल सा पाल है बट अच्छा दिख रहा है, ये भी बकरी है क्या शीप है पता नहीं कुछ भी है। हाँ मेरे को क्या करना है, सबसे पहले स्पेयर बनवाना है। ठीक है तो स्पेयर बनवाते हैं अपन यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर स्पेयर बन जाएगी ये वाली पर ना, लेकिन ये वाली नहीं बनवाना ना मेरे को, हैवी वाली बनवाना, तो रुक जाओ शायद टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी चीज खुली होगी जिसकी मदद से मैं थोड़ी अच्छी वाली स्पेयर बनवा सकता हूँ। ये देखो मेगा स्पेयर, ठीक है तो ग्रीन कलर की फ्रिज भी बनवा सकता हूँ, फ्रिज भी ले लेते हैं, कंडेंसर भी ले लेते हैं, यूनिवर्ल्ड का शेडल वो बढ़िया भाई, टॉर्च चाहिए भाई मेरे को, स्पेयर वर्क बेंच ठीक है ये भी दे दो क्योंकि इसके ऊपर ही बनेगी हैवी वाली वर्क बेंच पर। ठीक है बाकी तो सब ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को हैवी वाली वर्क बेंच बनवानी है तो इधर बनाते हैं अपन। अब कैपरेटी इतनी ऊपर काहे के लिए आ रही है, अच्छा इसको मैंने फेंक रखा ना, मैं ये भी कर सकता हूँ, रुको पहले बनवा देते हैं सेकंड वाली कहाँ गई, स्पेयर टेबल, मेडिसिन वर्क बेंच तो कहीं पर भी बन जाएगी चलेगा, स्पेयर टेबल ये ठीक है इसको यहाँ पर बनवाते हैं अपन। अब यार इसके लिए मेरे को इंगट बनवाने पड़ेंगे पहले, और हट पे इंगट बनवाने पड़ेंगे 20, तो मैं कम से कम 20-50 जितने बनते बनवा देता हूँ। ठीक है अभी इंगट कितने बन सकते हैं अभी 11, अबे 20 बनाना है, क्या कम पड़ रहा है, और कम पड़ रहा है भाई साहब, और माइनिंग कहाँ से होगी, और माइनिंग कहाँ से होगी, रुक जाओ यहाँ पर एक और का पत्थर था ना, इसको मैं मेरी गन से तोड़ दूंगा, चलो फटाफट से टूट जा जल्दी से टूट जा, मेरे को पूरे कितने 20 बनवाना है ना, हाँ
अरे वाह भाई, ये होता है माइनिंग करना है रियल। अरे दादा रे, ओके टूट गया फाइनली गाइस। मैंने बहुत सारा सामान उठा रखा है यार, कपड़े फेंक दो ना, ये सब उठा लेंगे ना। पता नहीं, ये क्रूड ऑयल भी अभी काम नहीं, इसका भी, इसकी भी अपने को अभी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। लोकेट, अरे ये सब तो उठा सकते हैं ये बंदे आराम से। ठीक है, इनको ड्रॉप कर देते हैं, एक एक को ड्रॉप भी करना पड़ता है, बता क्या बकवास है भाई। ठीक है, लोकेट लोकेट पहन लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी भी मेरा वेट से ज्यादा ही, वेट से ज्यादा भर रखा सामान भाई, बहुत भारी है यार ये तो। क्या बोले अपने, और ही थे ना। अबे यहाँ पर एक वो बनाया था ना, चेस्ट कहाँ गया? ये रहा चेस्ट। ठीक है, इजी, मैं इसके अंदर डाल दूंगा वो बेरिस, मैंने उठा ली थोड़ी सी, और इसके अंदर और डाल दूंगा मैं सीधा। ओ पहले से और है यहाँ पर पड़ा हुआ। ठीक है, अभी तो नाइट हो गई, पहले सो लेता हूँ, सुबह काम करेंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट गाइस। ओके, जीपीयू नहीं है मेरे पीसी में, जीपीयू नहीं है। ओके गाइस, एक और नया पाला गया, इसको भी गाइस बनवाने वाले अपन बकरा। अरे यार, लेकिन मेरे पास स्पेयर नहीं। मारो गाइस, मारो मारो इसे। ये गाइस ट्रिक है, बेस पर आता ना उसी को पकड़ लेना, मस्त बड़ा बड़ा पाल पकड़ में आएगा ना, पिटेगा भाई। ओ भाई, बाय 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 बाय, पूरा ही मर जाएगा साला कुत्ता। भाई ज्यादा डेंजरस पाल हो गया मेरे, बढ़िया, बट कोई दिक्कत नहीं, मेरे को इसने बांध दिया। देख रहे हो भाई, हाँ मेरे को क्या बनाना, इंगट। इंगट बनाने के लिए मेरे को एक आग वाला पाल उतारना पड़ेगा, जो कि मेरे पास एक छोटा सा पाल है, कौन सा था, उतार रखा मैंने पहले से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मेरे को बनाते हैं इंगट ना। ठीक है, तो इंगट यहाँ पर बन जाएंगे। ओ वो टाइम लगेगा भाई इंगट बनने में, कोई दिक्कत नहीं, बनाते रहेगा वहाँ पर। ओ लेकिन मैं ना, अगर मैं इसको कैंसिल करके डबल से लगा देता ना, तो ज़्यादा बन सकते थे। मेरे को चाहिए कितने अभी, अबे कहाँ से अलग लग गई आग, कैसे लग गई मेरे अंदर। कोई तो पानी दे दे रहा है, पानी दे दे रहा बाबा, इधर पानी है ना, पानी के अंदर कूद रहे बाबू, मर जाएगा रे। गया गया गया, खत्म, बच गया, जिंदा बच जा बस। ठीक है, बाहर निकल जाओ। ओ मैं क्या करने की सोच रहा था, मैं भूल ही जा रहा हूँ बार बार। अच्छा ठीक है, मेरे को बनाना था कंडेंसेशन, जिसके लिए मेरे को 20 इंगट चाहिए। ठीक है, ये तो बन जाएगा, इस पे टेबल तो बन जाएगी, तो पहले इस पे बनवा लेते ना, चलो फटाफट। ठीक है भाई, ये ज्यादा ही ऊपर हो जाता ना, इतने ऊपर बहुत ऊपर होता है। इस पे टेबल बनवाएंगे अपन यहाँ पर, ये हेवी वाली गाइस। ओ बनवा रखी है मैंने, तो इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, बिल्ड मेनू कट। ठीक है, यहाँ पर गाइस बनवाने के लिए रख देते हैं अपन इस पे। ओ ये बना नहीं सकता, मेरे को इंगट ही चाहिए उसके लिए भी, इंगट ही चाहिए भाई, क्या कर सकते हैं बोलो, इंगट ही चाहिए सब चीज के लिए। चलो कोई ना, अभी तो मैं इतने इंगट में कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, बट आगे चल के नहीं करना चाहिए मेरे को, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए मेरे को, ज्यादा करना चाहिए और कंडेंसेशन बनाना चाहिए। ठीक है, तब तक मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, जो कि ये गाइस पावर स्टैचू से पावर बढ़वाना। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, पहले एफ दबा के पावर बढ़ा देते अपनी। ठीक है, इससे कैप्चरिंग पावर बढ़ेगी अपनी भाई, क्या ही तो बढ़ रही है, खतरनाक खतरनाक। 30, ओ भाई ज़्यादा चाहिए, 15 बचे मेरे को, 19 चाहिए, मतलब कि लिफ्ट मंगल लेने पड़ेंगे मेरे को थोड़े बहुत। ओके, अरे अरे अरे, भूल गया, एक चीज और भूल गया, अरे सीधे चढ़ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेरा लेवल भी भाई 2 लेवल बढ़ जाएगा इजीली। ओके ओके ओके, ठीक है, इंगट बन गया ना, इंगट और बनवाने के लिए रखते, क्योंकि अपन ने अब भी तोड़ा है, मैक्स करेंगे। और अब मैक्स करने का ऑप्शन हट गया है, 11 और बन जाएंगे तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, मैं कंडेंसर बना दूंगा, उठा लो यहाँ से सारे के सारे, उठा लो, ड्रॉप भी कर दो वापस। देखो 11 मैंने यहाँ पर पटक दिए, और बाकी के और है थोड़ा सा। ठीक है, और वो भी बना देते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर भी। अरे यार इसके लिए मेरे क्लॉथ चाहिए, सिंपल है, क्लॉथ तो बन जाएंगे ना, क्लॉथ बनेंगे नहीं बेटा, बनाए हुए हैं, बस उनको रखना है। अरे कहाँ उड़ के जा रहा है, बहुत ही दूर चला जाता है ये, कभी कभार उड़ के बताओ। ठीक है, यहाँ पर क्लॉथ पड़े हुए होंगे, रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ, ये पड़े हैं, देखा ये सामान उठाते ही नहीं, इसको क्या हो गया, मर गया क्या? अच्छा ये पुराना पाल पड़ा हुआ है, जो कि अभी मर गया था हमारे हाथों। ठीक है, अब क्या करना है, कहाँ, ठीक है अब हो जाएगा, काम ही हो जाएगा, इनक्यूबेटर बन जाएंगे अपने। ठीक है, मेरे को गाइस अभी अपने को डेयर हॉल के जो एग मिले थे ना, वो लगाने वाले हैं अपन इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लगाएंगे एक कंडेंसेटर, फिर ये लग जाएगा अपना दूसरा, और ये लग जाएगा अपना तीसरा। ठीक है, अपने पास 3 से 4 एग है, तो 4-5 बनवा ही लेते हैं। ठीक है, ये लो भाई 4 बना दिए, इनको बिल्ड करने आ जाओ भाई, फटाफट से बिल्ड कर दो। ठीक है, ये सब बिल्ड करने के लिए भी आ गए, और एक यहाँ पर बनाएंगे हम कैंप फायर, क्योंकि गाइस कैंप फायर चाहिए होता है अंडे इनक्यूबेट होने के लिए। ठीक है, बॉइल होने के लिए समझ लो, इनक्यूबेट होने के लिए कुछ भी बोलो, समझ लो अपने हिसाब से। ठीक है, 2-3 पाल और मेरे को रखना चाहिए, ताकि अच्छा पहले से पड़े हुए पाल तो, बट अच्छे वाले नहीं है। ये वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, यूनिवोल्ट पता नहीं सो गया साला, तो इसको उतार देते हैं। पैनकिंग कुछ नहीं काम कर रहा भाई, ये कुछ हाथ वात भी नहीं बटा रहा था। ऊपर जाओ सारे के सारे, ऊपर जाओ, ऊपर छत पे जाओ, छत पे काम करना सारे के सारे जाओ। ठीक है गाइस, देखते हैं। ओके सब आ गए, अब तो सारे के सारे ऊपर आ गए, ये तो यहीं से काम करने लगती है, अब बढ़िया भाई। अब जल जाएगा, मर जाएगा कुत्ते, इसने कैंप फायर जला दिया, बढ़िया। इसके अंदर अंडा रख देते हैं भाई, एक होने के लिए। ठीक है, इनक्यूबेट
ये कल तक हो जाएगा इंक्यूबेट, ठीक है 4 मिनट लगेंगे इसको बढ़िया। और ये दूसरा भी कर दिया इन्होंने तो इसको भी रख देते हैं, और एक शायद नीचे पड़ा है तो उसको भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया भाई क्या ही तो काम कर रहे थे। ये मोटा वाला गाइस देख रहे हो, अभी अपने को पकड़ा था शाइनी वाला, फर्स्ट में आते थे मिला था। ये देखो भाई बात तो अलग है, देखो ये नॉर्मल से छोटे छोटे के डिब्बा, और ये शाइनी वाला कितना बड़ा देख रहे हो ना, ये होता है फर्क तो पड़ता है भाई, ठीक है। तो ये एक रख दिया मैंने इसके अंदर, बढ़िया भाई ये 5 मिनट में हो जाएंगे। तो जब तक गाइस हम एक फाइट लेकर आते हैं, ठीक है नॉर्मल से एक फाइट लेकर आते हैं, और उससे पहले खाना खा लेते हैं। स्पेयर तो नहीं है भाई, फाइट लेकर क्या ही करेंगे, मार देंगे भाई, ठीक है डिफीट करना भी एक कला ही होती है। और साला इतना खाना, इसको आधे से ज़्यादा डिवाइड करना पड़ेगा, शिफ्ट से होता था, हाँ शिफ्ट से होता था। ओके 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 600 300 इतना भी नहीं ले सकता मैं बताऊँ, बाकी का खाना उधर फेंको। ओके बढ़िया है अब खाना खा लेते हैं। अरे साला, अरे क्या मिस्टेक कर दी रे, गलती से मिस्टेक कर दी, ठीक है ओके फाइन गाइस। चलो जेड ड्रैगन की मदद से गाइस हम किसी को डिफीट करके आते हैं, उसके बाद में जाएंगे गाइस इस एपिसोड के एंडिंग की तरफ, ठीक है। तो चलते हैं सीधा जेड ड्रैगन को खाना खिला लेते हैं, भाई भूखा मर रहा है वो, क्या ही करे भाई, उस टाइम पे खाना ही नहीं था मेरे पास तो मैं करूँ क्या बताऊँ, ठीक है। चलो जेड ड्रैगन को निकालो, अबे कहाँ गए जेड ड्रैगन, ये रहा, ठीक है अब हम बीट करने वाले हैं गाइस। अबे कहाँ मर गया, इधर आ, ठीक है एक और बॉस को गाइस, ठीक है वो कोई सा भी बॉस होगा हम उससे फाइट लेंगे, क्योंकि हमारा एक वाला जेड ड्रैगन भाई बहुत डेंजरस है, हल्के में मत लेना इसको, ठीक है ना, समझ रहे हो गाइस बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और ड्रॉप एड गाइस, अबे साला कहाँ उड़ गया, कैमरा आया पता नहीं, आ गया कैमरा तो आ गया, कैमरा मैंने हटाया ही नहीं था, ऐसे ही बात कर ली थी, ठीक है। इधर इधर तो नहीं है वो बॉस, ये आई थिंक है इधर, नो 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 नो, ओके हे गाइस एक मिल गया किंग पाका नाम का बॉस, ठीक है इससे फाइट लेने वाले हम। टोमाटो टोमाटो तुम नहीं चाहिए मेरे को, ये बड़ा वाला मारना है हमको। अभी जो मार के आए थे गाइस वो 31 लेवल का था, ये सिर्फ 23 लेवल का था, ये तो जल्दी मर ही जाएगा सिंपल की बात है। बट इसको गाइस हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे शायद, बट करने की कोशिश करेंगे, मेरे पास 3 स्पेयर है, बट पहले इसमें ट्राई करेंगे, अगर इसमें आ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अबे मैं मेरे बाल को मार रहा, मार जाए ड्रैगन मार, मार देंगे भाई इजी, चलो कोई दिक्कत नहीं। अंडे वाला जेड ड्रैगन बहुत काम में तो आया अपने, ठीक है कुछ भी बोलो गाइस, ठीक है काम में तो आया, बहुत स्पीड भी बहुत है उसकी देख रहे हो। ओके जेड ड्रैगन ओ कहाँ फेंक दिया, कहाँ गया, ओ इधर आके गिरा भाई वो, ठीक है 1000 की हेल्थ 2000 की हेल्थ थी, हमने 1000 कम कर दी, ओके 800 की, ठीक है आग लग गई उसके अंदर, आग लग गई भाई। कितना कैप्चर रेट है, ओ भाई आ रहा है बोल बता रहा 5% आ जाएगा गाइस, ये पकड़ में आ जाएगा, पाल स्पेयर में भी आ जाएगा, ठीक है पाल स्पेयर में भी आ जाएगा लगता है तो, ठीक है मारो बस, अब नहीं मैं मारूंगा, एक अटैक और मारूंगा मैं, एक अटैक या दो अटैक, ठीक है एक और मार देता, उसके बाद फिर मैं संभालने वाला हूँ, जेड ड्रैगन फिर हटा देंगे, ठीक है ओके अब जेड ड्रैगन हटा देंगे, क्योंकि जेड ड्रैगन थोड़े मार देगा इसलिए। ओके अब ट्राई करते हैं, 6% क्या लगता है गाइस आएगा, आ जा ओके, अरे नहीं अब आएगा 29 की हेल्थ है भाई, अब तो आना बनता है भाई 6%, अरे 17 की हेल्थ है, अब तो आ जा प्लीज़ आ जा प्लीज़ ओके आ जा, आ गया लेट्स गो गाइस, मेरे को लगा नहीं था इस बोल में आ सकता है, पाल स्पेयर में बुला लिया मैंने बताओ उसको, ठीक है फाइनली गाइस हम 15 लेवल के भी हो चुके हैं, और हमने पकड़ लिया गाइस आज यूनिवर्ल्ड को और गाइस किंग पाका को, ठीक है। तो ये एपिसोड गाइस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है मैं आपसे मिलता हूँ गाइस पाल वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 4 के अंदर, ठीक है तब तक के लिए बाय बाय।